हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहला एशियाई गेम कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आंसर है भारत में। भारत में पहला एशियाई गेम आयोजित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, अब तक एशियाई खेल के कितने संस्करण आयोजित किए गए हैं? तो इसका आंसर है 17। अब तक एशियाई खेल के 17 संस्करण आयोजित किए गए हैं। जो 18वां है वो अभी चल रहा है इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है, 18वें एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? 18वें एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? इसका आंसर है एशिया की ऊर्जा। 18वें एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य एशिया की ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, 18वें एशियाई खेलों का शुभंकर और मैस्कोट कौन है? इसका आंसर है भिन्न भिन्न स्वर्ग की चिड़िया, हिरण देवता, काका रायनो। 18वें एशियाई खेलों का शुभंकर भिन्न भिन्न स्वर्ग की चिड़िया, हिरण देवता, काका रायनो है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 19वीं एशियाई खेलों का आयोजन करेगा? कौन सा देश 19वीं एशियाई खेलों का आयोजन करेगा? इसका आंसर है चीन। चीन 19वीं एशियाई खेलों का आयोजन करेगा। अगला क्वेश्चन है, किस शहर ने एशियाई खेलों का सबसे अधिक आयोजन किया है? तो इसका आंसर है बैंकॉक। बैंकॉक ने एशियाई खेलों का सबसे अधिक आयोजन किया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश एशियाई खेलों की मेजबानी नहीं करता? इसका आंसर है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में एशियाई खेलों की मेजबानी नहीं होती क्योंकि सिक्योरिटी के कारण। नॉर्थ कोरिया में सिक्योरिटी के कारण एशियाई खेलों की मेजबानी नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, एशियन गेम 2018 में भारतीय ध्वजवाहक कौन है? एशियन गेम 2018 में भारतीय ध्वजवाहक कौन है? तो इसका आंसर है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा एशियन गेम 2018 में भारतीय ध्वजवाहक हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियन खेल 2018 का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर है जोको विदोदो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। जो एशियन खेल 2018 का उद्घाटन जोको विदोदो ने किया, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2018 में बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है स्वर्ण पदक। एशियाई खेल 2018 में बजरंग पुनिया ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2018 में विनेश फोगट ने कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर है स्वर्ण पदक। विनेश फोगट ने एशियाई खेल में 2018 में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2018 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर है रजत पदक। एशियाई खेल 2018 में पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ 2018 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? कॉमनवेल्थ 2018 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका आंसर है 66। कॉमनवेल्थ 2018 में भारत ने कुल 66 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ 2018 में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला देश कौन सा है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया।
कॉमनवेल्थ 2018 में सबसे ज्यादा पदक ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, सेकंड नंबर पे इंग्लैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ 2018 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? 15वां क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ 2018 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? इसका आंसर है 218। 218 खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, अटल जी ने कहा किताब का लेखक कौन है? दर्पण प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है, और किस प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है? इसका आंसर है ब्रजेंद्र रेही। अटल जी ने कहा किताब के लेखक ब्रजेंद्र रेही है। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने अपने ग्राहकों को ईवीएम कार्ड पर स्विच करने का सुझाव दिया? इसका आंसर है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई बैंक ने अपने ग्राहकों को ईवीएम कार्ड पर स्विच करने का सुझाव दिया है। अगला क्वेश्चन, इमरसन मिनागावा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? इमरसन मिनागावा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? इसका आंसर है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन बने हैं? इमरसन मिनागावा। अगला क्वेश्चन है, गेम चेंजर ऑफ द ईयर अवार्ड के साथ किसको सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर है इंदिरा नूई। गेम चेंजर ऑफ द ईयर अवार्ड के साथ इंदिरा नूई को सम्मानित किया जाएगा, जो कि पेप्सिको की सीईओ है। अगला क्वेश्चन, कौन सी टीम पहली बार फीफा U20 महिला विश्व कप जीती है? इसका आंसर है जापान। जापान पहली बार फीफा U20 महिला विश्व कप जीती है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली जैव ईंधन संचालित उड़ान भूमि कहाँ है? भारत की पहली जैव ईंधन संचालित उड़ान भूमि दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, म्यांमार के मीजिमा मीडिया ग्रुप ने किस भारतीय कंपनी के साथ प्रसारण और सामग्री साझा करने में सहयोग का एहसास करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है प्रसार भारती। म्यांमार के मीजिमा मीडिया ग्रुप ने प्रसार भारती भारतीय कंपनी के साथ प्रसारण और सामग्री साझा करने में सहयोग का एहसास करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कंपनी ने 56 मिलियन डॉलर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पुरस्कार जीता है। हाल ही में किस कंपनी ने 56 मिलियन डॉलर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पुरस्कार जीता है? इसका आंसर है रिलायंस पावर। रिलायंस पावर ने करेंटली मतलब हाल ही में 56 मिलियन डॉलर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन, डिजिटल लेन देन के लिए कौन सा बैंक सर्वश्रेष्ठ स्टेट रन बैंक के रूप में रैंक किया गया है? इसका आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। डिजिटल लेन देन के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने सर्वश्रेष्ठ स्टेट रन बैंक के रूप में रैंक किया है। अगला क्वेश्चन, एशियाई खेलों 2018 में 400 मीटर दौड़ में रजत पदक किसने जीता है? एशियाई खेल 2018 में 400 मीटर दौड़ में रजत पदक हिमा दास ने जीता है। इसका आंसर है हिमा दास। हिमा दास ने एशियाई खेल 2018 में 400 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का क्वेश्चन, चौथा एशियाई चुनावी हितधारकों मंच AESF4 कहाँ शुरू होता है? इसका आंसर है कोलंबो। कोलंबो में चौथा एशियाई चुनावी हितधारकों मंच AESF4
कोलंबो में शुरू होता है। अगला क्वेश्चन, एशियाई खेलों के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बने? तो इसका आंसर है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु एशियाई खेलों के फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनी है। अगला क्वेश्चन, फेम इंडिया योजना का दूसरा चरण कौन लॉन्च करेगा? फेम इंडिया योजना का दूसरा चरण कौन लॉन्च करेगा? तो इसका उत्तर है नरेंद्र मोदी। मिस्टर नरेंद्र मोदी फेम इंडिया योजना का दूसरा चरण लॉन्च करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2018 में किस राज्य सरकार ने युवाओं के कॉन्क्लेव ATAL को व्यवस्थित करने का फैसला किया है? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने सितंबर 2018 में युवाओं के कॉन्क्लेव ATAL को व्यवस्थित करने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन, माल की तेजी से वितरण के लिए स्पीडेक्स अनुबंध किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर है भारतीय वायुसेना और इंडियन एयरफोर्स। माल की तेजी से वितरण के लिए स्पीडेक्स अनुबंध भारतीय वायुसेना ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय से उनकी सेवानिवृत्ति की घोषणा किसने की? इसका आंसर है झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी ने महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतरिक्ष सेल्फीज लेने के लिए एक ऐप किसने पेश किया है? इसका आंसर है नासा। नासा ने हाल ही में अंतरिक्ष सेल्फीज लेने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, 33 नंबर का 33वां क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विरासत क्षति को बचाने के लिए एक वैश्विक स्मारक संरक्षण निकाय किस राज्य के लिए ICOMOS लॉन्च किया है? इसका आंसर है केरल। केरल ने सांस्कृतिक विरासत क्षति को बचाने के लिए एक वैश्विक स्मारक संरक्षण निकाय को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया का 30वां प्रधानमंत्री कौन है? ऑस्ट्रेलिया का 30वां प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका उत्तर है स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के 30वें प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, 2 साल के लिए DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। 2 साल के लिए DRDO के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप रखा गया है? इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी को नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, माउंटेन इकोज साहित्यिक उत्सव 2018 का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? माउंटेन इकोज साहित्यिक उत्सव 2018 का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आंसर है थिम्पू। थिम्पू में माउंटेन इको साहित्यिक उत्सव 2018 का 9वां संस्करण आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 38वां क्वेश्चन, पुस्तक नो स्पिन किस अनुभवी क्रिकेटर की आत्मकथा है? इसका आंसर है सेन वॉर्न। सेन वॉर्न बुक नो स्पिन बुक अनुभवी क्रिकेटर सेन वॉर्न की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन,
जापान में पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन है? इसका आंसर है मीसा मत्सुशिमा जापान में पहली महिला लड़ाकू पायलट है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ISTS नीलामी किस राज्य में शुरू की गई थी? इसका आंसर है गुजरात। गुजरात में भारत की पहली इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम नीलामी लॉन्च की गई थी। अगला क्वेश्चन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के जेसी बोस फेलोशिप के लिए किसको चुना गया है? इसका आंसर है अप्पा राव पॉडियल। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के जेसी बोस फेलोशिप के लिए अप्पा राव पॉडियल को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, वेदांत की प्ली का फैसला करने के लिए पैनल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है न्यायमूर्ति SJ वजीफादार। वेदांत की प्ली का फैसला सुना करने के लिए पैनल के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति SJ वजीफादार को चुना गया है। क्वेश्चन है, उद्योग कक्ष और इंडस्ट्री चैम्बर एसोचैम ने एक महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? इंडस्ट्री चैम्बर और उद्योग कक्ष एसोचैम ने एक महासचिव के रूप में उदय कुमार वर्मा को नियुक्त किया है। उदय कुमार वर्मा को इंडस्ट्री चैम्बर एसोचैम ने एक महासचिव के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर का क्वेश्चन, एशियाई खेलों 2018 में भारत ने कबड्डी में कौन सा पदक जीता है? एशियाई खेलों में 2018 में भारत ने कबड्डी में कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर है चांदी और सिल्वर मेडल। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों 2018 में टेनिस मिश्रित युगल में कौन सी जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? एशियाई खेलों 2018 में टेनिस मिश्रित युगल ने कौन सी जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? इसका उत्तर है बोपन्ना शरण की जोड़ी ने एशियाई खेल 2018 में टेनिस मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, कोलंबो में श्रीलंका राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार 2018 में किस कंपनी ने बेस्ट एनर्जी सर्विसेज कंपनी का गोल्ड लॉ पुरस्कार जीता? इसका आंसर है फोर्ब्स मार्शल। अगला क्वेश्चन है, उस समिति का नाम क्या है जो राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने इस समिति को अपने स्टरलाइट संयंत्र को बंद करने के लिए चुनौती देने वाले वेदांत की याचिका का फैसला करने के लिए नियुक्त किया है? इसका आंसर है एसजे वजीफादार समिति ने राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल और NGT को अपने स्टरलाइट संयंत्र को बंद करने के लिए चुनौती देने वाले वेदांत की याचिका का फैसला करने के लिए नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में पदक जीतने के लिए शार्दुल विहान सबसे कम उम्र के भारतीय शूटर बने, वह किस राज्य से संबंधित हैं? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। शार्दुल विहान जो कि भारतीय शूटर हैं एशियाई खेलों में पदक जीतने के लिए, वो उत्तर प्रदेश से हैं। अगला क्वेश्चन, पूर्वी भारत में कौन सा राज्य विनिर्माण केंद्र बनना है? इसका आंसर है उड़ीसा। पूर्वी भारत में उड़ीसा विनिर्माण केंद्र बनना है। अगला क्वेश्चन है, संसद सदस्यों मतलब सांसदों और विधानसभा के सदस्यों मतलब विधायकों के सांसदों और विधायकों के सदस्यों को रेट करने के लिए राष्ट्रीय चुनावी परिवर्तन NETA मोबाइल आवेदन किसने लॉन्च किया?
इसका उत्तर है प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी ने संसद सदस्यों और विधानसभा के सदस्यों को रेट करने के लिए राष्ट्रीय चुनावी परिवर्तन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।